क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन कंपेयरिंग द रेशो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट इनकेस ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नहीं है तो ये लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं कंसिस्टेंट मीन्स किसी ना किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं मतलब इनका कोई एक सॉल्यूशन है इन दोनों लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो एक वैल्यू आएगी एक्स और वाई की जहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी इनकेस अगर ये दोनों इक्वल ना हो मतलब ये दोनों इक्वल आ जाएं ए वन बाई बी वन ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू और तीसरा इक्वल ना आए सी वन बाई सी टू तो ये इनकन्सिस्टेंट है मतलब ये ऐसी लाइन्स है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मतलब इन दोनों लाइन्स के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई कर सके और तीसरा केस ये है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू भी इक्वल हो जाए ये हैं तो कंसिस्टेंट मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे दोनों लाइन को सेटिस्फाई करते हैं बट ये डिपेंडेंट हैं तो अगर इसको हम कंसिस्टेंट लिख तो सकते हैं यहाँ पे पूछा गया कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट तो ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है बट ये कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट है और ये लाइन है इनकंसिस्टेंट तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम इनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट है फर्स्ट में देखो ए वन थ्री है और ए टू टू है तो ए वन बाई ए टू ए वन बाई ए टू इक्वल टू थ्री अपॉन टू एंड बी वन बाई बी टू इक्वल टू देखो बी वन टू है और बी टू हमारा माइनस थ्री है तो देखो थ्री बाई टू और टू बाई थ्री इक्वल नहीं आपस में इट मीन्स ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू दिस एम्प्लाइज लाइन्स आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है लाइन्स कंसिस्टेंट है अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को इसका सेकेंड पार्ट है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू दिस देखो यहां पर ए वन बाई ए टू फाइंड करते हैं हम तो आएगा टू अपॉन फोर दैट इज वन बाई टू ए वन बाई ए टू वन बाई टू आ गया एंड बी वन बाई बी टू अगर हम फाइंड करते हैं देखो बी वन यहाँ माइनस थ्री माइनस थ्री और बी टू हमारा माइनस सिक्स माइनस सिक्स ये माइनस माइनस कैंसिल ये थ्री बाई टू ये भी कैंसिल जाएगा तो वन बाई टू आ गया ये भी अब देखो दोनों इक्वल आ गए ना अब हमें सी वन बाई सी टू निकालना पड़ेगा सी वन बाई सी टू सी वन यहाँ एट है और सी टू है नाइन तो देखो ए वन बाई ए टू ए वन बाई ए टू एंड बी वन बाई बी टू दोनों इक्वल हैं बट सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं है मीन्स ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू दिस इंप्लाइज लाइन्स आर इनकन्सिस्टेंट लाइन्स इनकंसिस्टेंट है अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट में है ए वन बाई ए टू ए वन बाई ए टू इज थ्री बाई टू अपॉन नाइन तो को इसको लिख सकते हैं हम थ्री अपॉन टू इंटू नाइन तो थ्री थ्री या नाइन मीन्स वन बाई सिक्स और b1 वन बाई बी टू बी वन बाई बी टू है हमारे पास फाइव बाई थ्री अपॉन माइनस टेन मीन्स फाइव अपॉन थ्री इन टू माइनस टेन देखो ये फाइव टू या टेन कट जाएगा और ये आ गया वन अपॉन माइनस सिक्स देखो ये वन बाई सिक्स है और ये वन अपॉन माइनस सिक्स है इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं मीन्स ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू दिस इंप्लाइज लाइन्स आर कंसिस्टेंट ये कंसिस्टेंट आ गया नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई तो देखो ए वन बाई ए टू इक्वल टू यहाँ फाइव है फाइव आ गया और यहाँ पे देखो माइनस टेन है इट मींस वन बाई टू वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस टेन था बी वन बाई बी टू फाइंड करते हैं ऐसे ही हम देखो बी वन है माइनस थ्री एंड बी टू है हमारा सिक्स ये भी कट जाएगा और ये भी माइनस का वन बाई टू आ गया फिर से दोनों इक्वल आ गए हैं अब हमें सी वन बाई सी टू फाइन करना पड़ेगा तो वो इक्वल है या नहीं है सी वन हमारा इलेवन है और सी टू माइनस ट्वेंटी टू ये कट जाएगा इससे इट मीन्स ये भी वन बाई टू आ गया अब यहां देखो तीनों रेशियो इक्वल है मीन्स ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो ये है तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट मेंशन करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट तो है बट ये डिपेंडेंट भी है अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है इसमें ए वन बाई ए टू इक्वल टू है फोर बाई थ्री अपॉन टू मीन्स फोर अपॉन थ्री इंटू टू तो टू से ये फोर कट जाएगा तो ये आ गया टू बाई थ्री और बी वन बाई बी टू बी वन बाई बी टू आ जाएगा हमारे पास टू अपॉन थ्री तो डायरेक्टली टू अपॉन थ्री और यहाँ टू अपॉन थ्री दोनों इक्वल आ गए अब हमें निकालना सी वन बाई सी टू सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू एट अपॉन ट्वेल्व फोर टू जा जाोर थ्री जा देखो ये भी तीनों इक्वल आ गए हमारे पास इट मीन्स ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू इट मीन्स ये भी कंसिस्टेंट तो है बट डिपेंडेंट है